नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी और देवता दिवाली मनाने धरती पर आते हैं। इस बार देव दिवाली के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1:32 पर शुरू होकर शाम 7:27 पर समाप्त होगा। वही भारत में चंद्र ग्रहण शाम के 5:30 पर शुरू होकर 6:19 पर समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रकोप पृथ्वी पर अधिक प्रभावी होता है। ऐसे में राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, उपाय जानने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान बुरे प्रभावों से बचाव के लिए गुरु मंत्र का जाप करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके जो गुरु ने आपको नामदान दिया है, अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान उसका जप करेंगे तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। तुलसी का पत्ता उस दौरान मुख में डालने, ऐसा करना बहुत फायदेमंद होता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर पड़ने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। शत्रु पर विजय पाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस मंत्र का जाप करें। मैं आपको मंत्र स्क्रीन पर दे रही हूँ। यह मंत्र है, ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम सतम्बे जिह्वा किलये बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र बगला मुखी मंत्र है। इसका जाप करने से चंद्र ग्रहण के दौरान आपकी शक्तियों का, दुष्टों का नाश होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान इन उपायों की मदद से न केवल व्यवसाय में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि धन लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। चंद्र ग्रहण के पहले स्नान करके सफ़ेद या लाल वस्त्र पहने, घर में साफ स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं। चंद्र ग्रहण लगते ही चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में 5 गोमती चक्र लें। इसके बाद ओम क्रीम काल के स्वाहा ओम मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के दौरान माँ काली और भगवान शिव का ध्यान करें। एक माला का जाप जरूर करें। जाप खत्म होने के बाद गोमती चक्रों को एक डिब्बे में रख दें। इसके बाद बाएं हाथ में 5 हकीक और 5 मूंग के दाने लें और माँ काली का ध्यान करें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने के कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों में कुशा या तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें और ग्रहण के खत्म होते ही इसे घर के बाहर फेंक दें। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद कर लाएं और उसे रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस ताले को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखे ही रहने दें। सुबह ताले को उठा लाएं और किसी मंदिर में रख दें। देखिएगा, ऐसा करने से आपकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी और कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे चंद्र ग्रहण के कुछ उपाय। धन्यवाद।